Radiation is a process by which heat is transmitted from one place to another without heating intervening medium. मतलब radiation में heat travel करती है एक point से दूसरे point तक, और radiations को travel करने के लिए ना तो कोई atom चाहिए, ना कोई उसे molecule चाहिए, ना पानी चाहिए, ना हवा चाहिए, उसे कुछ नहीं चाहिए. तुम vacuum कर दो और तब भी उसमें चली जाएगी. तो क्योंकि जो heat radiations हैं वो electromagnetic in nature है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब ये रेडिएशंस ट्रेवल करती हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. तो क्यों करती हैं ये प्लस टू के अंदर डिटेल में आएगा. इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए होता. तो ये कुछ ऐसी रेडिएशंस हैं, जैसे कोई भी गर्म बॉडी ले, वो गर्म बॉडी इज अ सोर्स ऑफ हीट रेडिएशंस. सेक तो लगेगा गर्म बॉडी से, तो सेक क्या है उसको, सेक ये नहीं है कि मॉलिक्यूल गर्म होगा हवा का फिर वो दूसरे उड़ता हुआ मेरे पास आएगा मुझे सेक लगेगा, ऐसा नहीं है. सेक तो इमीडिएट लगना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती हैं. कोई भी हॉट बॉडी इज अ सोर्स ऑफ रेडिएशंस, ये स्टैंडर्ड है. तो इसके अंदर एक थ्योरी है जिसको प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज बोलते हैं. प्रीवोस्ट एक साइंटिस्ट था जिसने ये बताया कि कोई भी बॉडी, ऑल बॉडीज, चाहे बेंच है, चाहे पंखा है, चाहे प्रोजेक्टर, चाहे मैं, चाहे आप, चाहे कपड़े, चाहे कुछ भी, कोई मैटर कॉन्टिन्यूसली जीरो केल्विन के ऊपर अगर उस बॉडी का टेम्परेचर है तो वो बॉडी कॉन्टिन्यूसली हीट को ले रही है और छोड़ भी रही है. मेरी बॉडी हीट को एनवायरमेंट से ले रही है और रिलीज भी कर रही है, ले भी रही है, छोड़ भी रही है, ले भी रही है, छोड़ भी रही है. तो अगर मेरी बॉडी का जो भी टेम्परेचर है वो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है और कॉन्स्टेंट भी रह सकता है, डिपेंडिंग कि मैंने कितनी हीट ली और कितनी दी. अगर मेरा रेट हीट लेने का और देने का बराबर है, मैंने 10 कैलोरी हीट ली और 10 रिलीज कर दी उसी टाइम, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ले रहा हूँ, दे रहा हूँ, ले रहा हूँ, दे रहा हूँ, 10 और 10, 10 और 10, तो मेरी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होने वाला नहीं है, इट विल रिमेन कॉन्स्टेंट. लेकिन अगर मैंने मान लो बाहर टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है और मेरी बॉडी का टेम्परेचर मान लो अभी कम है, तो मेरी बॉडी में हीट अपने आप एंटर कर जाएगी क्योंकि एनवायरमेंट मुझे हीट देना शुरू कर देगा, मेरे को भी गर्म करेगा ताकि उसका टेम्परेचर और मेरा टेम्परेचर सेम हो जाए. इसको थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं. तो एनवायरनमेंट से हीट मेरे अंदर आएगी और मैं रिलीज भी तो करूंगा, पर रिलीज में कम करूंगा क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत ज्यादा है. तो ठंडी से गर्म तक तो हीट रिलीज बहुत कम होती है, तो ले ज्यादा रहा हूं, दे कम रहा हूं, तो मेरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और मुझे गर्मी लगनी स्टार्ट हो जाएगी. अब सर्दियों की बात करो, बाहर टेम्परेचर सिर्फ 5 डिग्री सेल्सियस है, मेरी बॉडी का ज्यादा टेम्परेचर है, तो मेरी बॉडी में से हीट बाहर खिसकनी स्टार्ट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस अपने आप ही, और मूव करती जाएगी जब तक मेरा टेम्परेचर बाहर के बराबर ना हो जाए. लेकिन मेरी बॉडी हीट दे भी रही है और साथ में एनवायरनमेंट से हीट ले भी रही है. अब लेने को तो कुछ है नहीं, बाहर तो पहले ठंड पड़ी हुई है, देने को तो एनवायरनमेंट मुझे क्या देगा, ठंडी तो दे रहा है, गर्मी तो दे नहीं रहा, पर चलो फिर भी कुछ तो गर्मी मिली जाती है. तो रिलीज करने का रेट ज्यादा है और मिलने का कम है. अब मैं अपनी बॉडी की हीट अगर बाहर छोड़ाऊंगा तो मेरी बॉडी का टेम्परेचर गिर जाएगा, तो मेरे को ठंड लगनी स्टार्ट हो जाएगी. तो ये गर्मी लगना, ठंड होना और सेम टेम्परेचर रहना, ये प्रीवोस्ट की थ्योरी एक्सप्लेन करती है. इसमें यही बताया हुआ है, ऑल बॉडीज एट 0 डिग्री या 0 केल्विन एमिट हीट टू द सराउंडिंग एंड गेन हीट फ्रॉम द सराउंडिंग एट ऑल टाइम्स. हर वक्त ऐसा होता है. द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर सेकेंड डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द एमिटिंग सर्फेस, इट्स सरफेस एरिया एंड टेम्परेचर. तो कितनी हीट ली और दी वो डिपेंड करता है कैसा सरफेस एरिया है और क्या उसकी नेचर है. कोई ऐसी बॉडीज हैं जो जल्दी ठंडी हो जाती हैं, कोई ऐसी बॉडी है जो कम ठंडी होती है, हीट लीज कम करती है, उसके नेचर पे डिपेंड करती है. रेट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय द बॉडी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इट्स टेम्परेचर एंड अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ सराउंडिंग बॉडीज. मतलब एक बॉडी का टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा है और सराउंडिंग का कम है, सराउंडिंग का मान लो अभी सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस है लेकिन आपकी बॉडी बहुत गर्म है, तो वो बहुत हीट को रिलीज करना शुरू कर देगी. लेकिन अगर बॉडी का टेम्परेचर ठंडा है तो कम हीट को रिलीज करेगी. उस बॉडी को इस बेंच के टेम्परेचर से, सराउंडिंग के आपके टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता. तो अगर कोई गर्म बॉडी है उसका जितना टेम्परेचर है उस हिसाब से उसने हीट को रिलीज करना है, उसके पड़ोस की बॉडी का कितना टेम्परेचर है उससे फर्क नहीं पड़ता. हाँ, एनवायरमेंट के टेम्परेचर पर फर्क पड़ता है. एनवायरमेंट अगर मान लो 45 डिग्री सेल्सियस है, बॉडी भी 45 है, तो हीट ले दे कौन रहा है, बराबर कुछ भी नहीं होगा उसमें, क्योंकि हीट मूव फ्रॉम अ हायर टेम्परेचर टू अ लोअर टेम्परेचर, तो इसमें तो हो नहीं रहा. तो इसलिए टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा हीट का रिलीज करने का रेट भी उतना ज्यादा होगा.
देयर इज अ कॉन्टिन्यूस एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन अ बॉडी एंड अ सराउंडिंग, और ये हर वक्त क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है, एक्सचेंज होती रहती है हीट. राइज एंड फॉल इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज द नेट रिजल्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग. किसी भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है वो किस पे डिपेंड करता है, उस बॉडी की सराउंडिंग के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है जहां पे हीट को जाना है. एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग कंटिन्यूज टिल अ थर्मल इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन देम. तो अमाउंट ऑफ हीट कितनी जा रही है या आ रही है वो डिपेंड करता है, और वो कब तक चलेगा ये एक्सचेंज, जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं मेंटेन हो जाता. थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब जब तक मेरी बॉडी और एनवायरनमेंट का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता, और जब ये सेम हो जाता है तो हम बोलते हैं कि बॉडी किसमें आ गई, थर्मल इक्विलिब्रियम. तब तक एक्सचेंज चलता रहता है. तो ये थ्योरी हमें पता होनी चाहिए.